वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर फॉर क्लास फोर फ्रॉम अल्स स्कूल हरूनाबाद कैंपस सो स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर थ्री अबाउट द सीपीयू हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि सीपीयू है क्या यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है और uh, इसकी वर्किंग क्या है तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट हैज़ थ्री पार्ट्स इसके कितने पार्ट्स हैं थ्री पार्ट्स हैं फर्स्ट वन इज ए ए एल यू अरथमेटिक लॉजिक यूनिट द सेकेंड वन इज सी यू कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज़ एम यू अभी तक आपने इस चैप्टर के टोटल फोर क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें आप ए एल यू और सी यू के अबाउट पढ़ चुके हैं टूडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज़ ऑन पेज नंबर ट्वेंटी ऑफ योर बुक सो हेयर वुल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज़ डिफाइन एम यू द आंसर इज द मेमरी यूनिट एम यू एम यू इज़ एक्चुअली द शॉर्ट फॉम ऑफ मेमरी यूनिट एम फॉर मेमरी एंड यू फॉर यूनिट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शनस टू प्रोसेस डेटा अब एम यू क्या काम करता है जिस तरह से ए एल यू का काम होता है तमाम कैलकुलेशन को परफॉर्म करना और सी यू का काम होता है वर्किंग को कंट्रोल करना इसी तरह एम यू यानी कि मेमरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के बाद उस पर डेटा की प्रोसेसिंग करना नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेंटी वन ऑफ़ योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी वन पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्राम द गिवन मीनिंग्स आपने ये नीचे आपको एक लाइन दी हुई है आपने उसको रीड करने के बाद बताना है कि इस लाइन का क्या मीनिंग बन रहा है और उस सूटेबल मीनिंग को आपने ऊपर ब्लैंक में पुट करना है तो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ वेज़ ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर आप इंफॉमेसन को एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे दिस इज़ कार कम्युनिकेशन सो वी विल फिल दिस विद कम्युनिकेशन सी ओ डबल एम यू एन आई सी ए टी आई ओ एन कम्युनिकेशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स सो दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली ग्रुप्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें लाइक कोऑर्डिनेट कर सकें एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो है कोऑर्डिनेशन, सी डबल ओ आर डी आई एन ए टी आई ओ एन कोऑर्डिनेशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन विच इज़ विच पार्ट ऑफ द सी पी यू इज़ यूज टू फॉर द फॉलोइंग आपने बताना है ये रीड आउट करने के बाद कि कौन सा पार्ट हमारा सी पी यू जैसे कि तीन पार्ट्स हैं सी पी यू के तो तीनों में से कौन सा पार्ट जो है वो इस काम करने के अहल है या ये वाला काम वो अच्छे से कर सकता है पहला जो टास्क है वो है टू कैलकुलेट द टोटल बुक्स एंड ऑथर हैज़ सोल्ड एक अथर ने जितनी बुक्स जो है वो सोल्ड आउट कर ली हैं तो उनको अगर आपने कैलकुलेट करना है टोटल प्लस करना है यानी कि तो उसके लिए आप क्या कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे तो वी विल यूज़ ए एल यू लॉजिक यूनिट क्योंकि ए एल यू का काम ही कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है सेकेंड वन है टू गेट अ स्कैंड कॉपी ऑफ अ पिक्चर अगर आपको स्कैनर यूज़ करना है तो आप लोग जो है वो स्कैन करेंगे पिक्चर को तो उसको स्कैन करने के लिए जो सी पी यू का कौन सा यूनिट वर्क करेगा सी यू कंट्रोल यूनिट क्योंकि कंट्रोल का यूनिट का काम है कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके आपस में कम्यूनिकेशन और कॉर्डिनेशन करवाता है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ टू सी अ फ़्लाइट स्केजूअल ऑन अ मोनीटर अगर आपको मोनीटर के ऊपर एक फ़्लाइट का स्केजूअल चेक करना है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल यूनिट यूज़ करेंगे सी पी यू का बिकॉज कंट्रोल यूनिट ही उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है जिसमें आप एक फ़्लाइट का स्केजूअल चेक कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें भी कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ टू रिट्रीव डेटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा स्टोर है कंप्यूटर की मेमरी के अंदर ज़ाहिर है डेटा स्टोर होता है तो अगर आपको वहाँ से डेटा रिट्रीव करना है तो आप लोग सी पी यू का कौन सा पार्ट यूज़ होगा वहाँ पे एम यू मेमोरी यूनिट क्योंकि मेमरी यूनिट का काम ही मेमोरी से रिलेटेड तमाम काम टास्क uh, को कंट्रोल uh, करना है That's all from today's lecture, students. Uh, your today's diary is to learn this question number 5 and page number 21 of your book and do the homework. Question number 5 on your computer notebook, and page number 21, do homework on your book with lead pencil. Thank you.